नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस पीले पेस्ट के मदद से आपका जो भी दाद, खाज, खुजली, दिनाए है उसे ख़त्म करने का एक ऐसे कामयाब घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पुराने खाज, दाद, दिनाए इन जैसे सारे समस्याओं को आप ख़त्म कर सकेंगे। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही कामयाब होने वाला है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग सस्ती दवाई और आसान नुस्खों को बेकार समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में वही बहुत ही ज़बरदस्त काम आता है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि ये किस चीज़ का पेस्ट है और कैसे ये काम करता है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और एक एक जानकारी को जानते हैं विस्तार से। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक क्लीन बाउल, और इस क्लीन बाउल में हम सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट लेंगे वो है दोस्तों नीम के पत्ते का। जो नीम का पत्ता होता है उसमें एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जो कि दाद, खाज, खुजली, दिनाए जैसे सारी समस्याओं को बहुत ही आसानी से ख़त्म करने का काम करता है। दोस्तों, ये जो नीम का पत्ता होता है इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हम अपने दाद, खाज, खुजली, दिनाए को ख़त्म करने में करते हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे रोगों को ख़त्म करता है, जैसे कि पेट से संबंधित समस्या या स्किन से संबंधित समस्या जो भी है उसे ये ख़त्म करने का बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं इस पीले पेस्ट को। दोस्तों, ये पेस्ट बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लगभग आधी चम्मच की मात्रा में इस पेस्ट को हम ले लेते हैं। इसके बाद से हम इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट लेते हैं, वो है दोस्तों ये जो नीम का पिसा हुआ पत्ता का पेस्ट है उसी को यहाँ पर हमें लेना है, तो इसे हम लेंगे पूरा बड़े चम्मच से एक चम्मच की मात्रा में। इसे हम क्या करते हैं कि दोनों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। आपको जहाँ पर भी दाद, खाज, खुजली, दिनाए की समस्या है उस जगह पर इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको जहाँ पर भी दाद, खाज, खुजली, दिनाए इत्यादि की समस्या है उस जगह को आप सबसे पहले गुनगुने पानी से धो लें। गुनगुने पानी से धोने से होता क्या है कि वहाँ पर ऊपरी परत पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं, और धोने के बाद से आपको कपड़े से पोंछ करके और फिर आपको ये जो पेस्ट तैयार किया हुआ है इसी पेस्ट को आपको लगाना है। दोस्तों, दिन में 3 बार अगर आप लगातार 7 दिन तक यूज कर लेते हैं तो 100% आपका जो भी दाद, खाज, खुजली, दिनाए की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप ये जो वीडियो में येलो कलर का पेस्ट देख रहे हैं ये पेस्ट है कच्चा हल्दी का। आपको कुछ इस प्रकार का जो कच्चा हल्दी होता है वो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना है, जैसे कि चीनी, गुड़, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। साथ ही साथ जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उस चीज़ को भी बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं उसके वजह से जो दाद, खाज, खुजली, दिनाए होता है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टेड जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।